उसके बाद मेरी बेटी पर गोली चला दिया। बिहार के मुजफ्फरपुर में लगातार बाइकर्स गैंग का आतंक देखने को मिल रहा है। लगातार घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है। शहर के कई इलाकों में लगातार चैन छिनतई की वारदात को अंजाम दिया जा रहा है। छिनतई की वारदातों को अंजाम दिया जा रहा है। ताजा मामला मिठनपुरा थाना क्षेत्र के मालीघाट इलाके का है, जहां महिला को निशाना बनाया गया है और जब महिला ने इसका विरोध किया तो महिला को घसीटा भी गया और दो राउंड फायरिंग भी की गई है। पूरे मामले को लेकर पुलिस जांच में जुट गई है। क्या कुछ कह रहे हैं पीड़ित महिला, उसके परिजन और पूरे मामले को लेकर डीएसपी राघव दयाल जो हैं, मुजफ्फरपुर टाउन के डीएसपी हैं, क्या कुछ कह रहे हैं सुनिए। ले आते हैं, आए हैं ठीक से गेट पर, रुक जैसे गाड़ी लगाई है बेटी, हम उतरे हैं, बेटी गाड़ी बंद कर रही थी, जैसे बेटी माँ बेटी उतरे बस वो पीछे से गाड़ी लगाया है और उसके बाद मैं आँचल इसी तरह आँचल पकड़े हुए थे, आँचल को घींच लिया है, घींच लिया है, चैन था, हाँ चैन था, घींच लिया है। तो हम बोले हस्बैंड को चाल किए, रवि रवि, मोना बोली पापा पापा, तो बोला क्या इसका पापा आ जाएगा, हस्बैंड आ जाएगा, हाँ हस्बैंड आ जाएगा। हम बोले रवि आइए ना, रवि आइए ना, मेरा सिकड़ी छीन लिया, बस उसका कॉलर पकड़े हुए थे, बस उसको रगाते रगाते कैलाश सिंह के घर दरवाजे पर तक हम पकड़े हुए थे उसको, बस वहाँ तक गया। उसके बाद मेरी बेटी पर गोली चला दिया। हम देखे कि अब इसको पकड़े, मेरी बेटी गिर गई, हम आए अपना बेटी को देख, थले वो दोनों भाग गए, ढके पैरों गोली चलाया है, कई बार दो बार चलाया, दो बार चला। आप घर से निकले तो उस समय वो लोग हमला कर दिया? नहीं आए हैं। अच्छा चेहरा वाला खुला हुआ था कि ढका हुआ था अपराधी का? हेलमेट पहने नहीं, चेहरा ढक एकदम खुला हुआ था, जैकेट पहने हुआ था, टोपी लगाए हुआ था, इतना कौन बाइक था? कोई बाइक मेरी बेटी देख। अच्छा चोट कहाँ लगा आपको? चोट लगा यहाँ पर, मार दिया वही गोली वाली। चैन पकड़ा और खींचते हुए जा रहा था तो मम्मी उसे अमिन पकड़ी उसको, फिर उसके बाद हम उसको पकड़े तो बाबा के दीवार में चिपका दिया और तब तक हम पापा पापा चिल्ला रहे, तो फिर बोला बेटी को गोली मार, बेटी को गोली मार, फिर उसके बाद उसने शूट किया और फिर उसके आगे जाके फिर अमिन आगे पड़ोस तक वहाँ तक खींचते हुए ले गए, तब तक वो फिर एक और ऊपर की तरफ शूट किया और उसके बाद भाग गया। एक ग्रे कलर का जैकेट है और एक ब्राउन कलर का जैकेट है, ग्रे कलर होंडा साइन है, होंडा साइन, हाँ कौन कलर का? ब्लैक रेड है, ब्लैक और रेड, हाँ। कितना उम्र रहा होगा? 50 हाँ, 50 हाँ, 50 प्लस है लेकिन 50 से नीचे नहीं है दोनों, 50 साल का, हाँ दोनों, हाँ दोनों एजेड, हाँ उम्र दराज है दोनों। एक ने ब्लैक ब्लैक कलर का हेलमेट पहना हुआ है, तो जो ब्लैक कलर का हेलमेट था तो उसके ने ग्रे कलर का जैकेट पहना हुआ है और पीछे वाला ब्राउन कलर का। हाँ मम्मी हम छीने ना उसको, जो दीवार की तरफ फेंका तो उसने थप्पड़ मारा और थप्पड़ मार के उसने बोला कि मार मार बेटी को गोली मार, तब तक पापा पापा अंकल अंकल चिल्ला रहे थे तो उसी टाइम उसने शूट किया मेरे। अच्छा मकसद चैन छीनना था या और कोई मकसद था, आपको क्या लग रहा है? आई थिंक चैन की वजह से पापा पापा चिल्ला रहे थे तो उस वजह से, आई मीन पापा चिल्लाए तो कॉमन सी बात है, उसने समझा क्या कि बेटी होगी तो इसलिए चिल्लाया कि उसने बेटी बेट बेटी पे गोली चला। अच्छा जब आप आ रहे थे तो ऐसा लगा कि पीछा? नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं लगा, घर गेट के मेन पे आ गए हैं तो उसने आया सीधे गाड़ी लगाया। गाड़ी कहाँ लगाया था? गेट पे दम मेन गेट पे, हाँ गेट लगाया गेट पे। भागा किस तरफ है? भागा इस साइड है, भागा है हसमुखी चौक की तरफ। मिठनपुरा वार्ड नंबर 41 मालीघाट मोहल्ला में एक स्कूटी पर दो महिला आ रही थी, पीछे से एक बाइक पर दो व्यक्ति सवार आया है। जैसे ही महिला अपने घर के पास में रुकी है तो उनके गला में पहने हुए चैन को झपट कर भागना चाहे, महिला इसका प्रतिरोध किया तो भागने क्रम में दो चक्र गोली चलाया। इसी घटना का मामला प्रकाश में आया था, सीसीटीवी फुटेज के आधार पर उसको खोज करने का प्रयास किया जा रहा है। अभी तक किसी की गिरफ्तारी वगैरह अभी पता नहीं चल पाया, आगे इसमें जांच की जा रही है। हाँ जांच की जा रही है, लूटपाट की भी है।
चैन चैन छीना है जी। तो आपने सुना कि पूरे मामले को लेकर टाउन डीएसपी ने क्या कुछ कहा, वहीं परिजनों ने और पीड़ित महिला ने पूरे मामले की जानकारी दी है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले को लेकर जांच में जुट गई है। टाउन डीएसपी राघव दयाल ने बताया है कि आसपास के सीसीटीवी फुटेज को खंगाला जा रहा है और आगे की कार्रवाई की जाएगी।